हाउ टू क्रिएट फोटो एल्बम इन पावरपॉइंट। पावरपॉइंट में फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं फोटो एल्बम क्रिएट करना और उसे एनिमेशन देना। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फोटो एल्बम का टूल दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे आपको न्यू फोटो एल्बम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स अब आपको अपने कंप्यूटर से वो फोटोज को ब्राउज करके सिलेक्ट करना है जो आपको अपनी एल्बम में ऐड करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आप यहां पर फाइल डिस्क का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब अपने कंप्यूटर में जहां भी फोटो आपने सेव करके रखी है वहां से इसे ब्राउज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहां पे पिक्चर में और सैंपल पिक्चर फोल्डर में हमने इसे डाल रखा है। अब फ्रेंड्स हमें इन सभी फोटो को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन प्रेस करना है और एरो से आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे इंसर्ट का आपको बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सभी फोटोज यहां पर शो हो जाएंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर 9 फोटोज हमने सिलेक्ट किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी मर्जी फोटोज यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फोटो को अरेंज करना। अब किसी फोटो को आप फर्स्ट नंबर पे लाना चाहते हैं, सपोज कीजिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 5 नंबर की फोटो है जेलीफिश के नाम से, इसे हम फर्स्ट नंबर पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अप एरो का बटन आपको दिखाई देगा, इससे आप माउस से क्लिक करके फर्स्ट नंबर पे कर सकते हैं। किसी फोटो को डाउन करना हो तो फ्रेंड्स आप उसे सिलेक्ट करें और डाउन एरो को प्रेस करें। इसके बाद फ्रेंड्स किसी फोटो को आपको डिलीट करना है तो आपको फ्रेंड्स रिमूव बटन यहाँ पर आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और किसी फोटो का एंगल आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फोटो की ब्राइटनेस कंट्रास्ट आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पिक्चर लेआउट सिलेक्ट करना है। आप अपने स्लाइड में कितने फोटोज रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है फिट टू स्लाइड, एक फोटो पूरी स्लाइड पे फिट हो जाएगी। अगर आपको 2 फोटो रखने हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 4 फोटोज रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, एक वन पिक्चर विद टाइटल। अगर आप टाइटल भी देना चाहते हैं फोटोज का तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 पिक्चर विद टाइटल के साथ सिलेक्ट करते हैं। इसके नीचे फ्रेम शेप का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर फ्रेम का डिजाइन दे सकते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया राउंड रेक्टेंगल, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रीव्यू में, आप इनकी क्लिक करके देख करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक फ्रेम। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर दिखाई देगा। अगर आप पिक्चर के नीचे टाइटल देना चाहते हैं या उस फोटो का नाम देना चाहते हैं तो आप यहां पर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स आपकी फोटो पे नाम लिखा होगा वो फोटो के नीचे आ जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स इस ऑप्शन का यूज ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट, आप अपने पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कलर देना चाहते हो तो आप इसे यहां पर चेक मार्क कर देंगे। करते ही फ्रेंड्स आपकी ऑल फोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। हम यहां पर इसे कलर करना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने सेटिंग्स अप्लाई की थी यहां पर ये शो हो रही है। आप देख सकते हैं हमने टाइटल दिया था और कैप्शन दिया था फोटो के बिलो और फोटो का नाम आ गया। आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं फोटो का नाम, बट यहां पर ये ठीक है तो हम इसे छोड़ देते हैं। आप फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग फोटोज को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे इसी तरह से रहने देते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसे डिजाइन देंगे बैकग्राउंड का, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको डिजाइन पे जाना है और यहां से आप कोई भी डिजाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। फ्रेंड्स आप कोई भी टाइटल देना चाहते हैं तो यहां पर दे सकते हैं। और फ्रेंड्स फ्रंट पेज पे आपको फोटो एल्बम आपके जो भी यूजर होगा उसका नाम यहां पर आ जाएगा, आप चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं।
तो मैं इसे ऐसे रहता हूँ। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं एनिमेशन करने की। अब इन फोटोज को कैसे एनिमेशन दिया जाता है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है और इसके बाद सबसे पहले हम जो डिजाइन दिया है हर स्लाइड को कैसे शो हो उसके लिए यहाँ पर एनिमेशन है। आप अलग अलग स्लाइड को भी दे सकते हैं। इस स्लाइड को हम ये देना चाहते हैं, इस स्लाइड को हम ये एनिमेशन देना चाहते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स स्लाइड के लिए। अब हमें फोटोज को और जो टाइटल लिखेंगे उनको हमें एनिमेशन करना है। इसके लिए हमें कस्टम एनिमेशन पे जाना है और हमें यहां पर कुछ टाइटल लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने टाइटल दे दिया है और हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पर एनिमेशन देना है एड इफेक्ट्स। तो एंट्रांस का एनिमेशन यहाँ पर मिलेगा आपको, एम्फेसाइज का मिलेगा, एग्जिट का मिलेगा, मोशन पाथ का मिलेगा। एंट्रांस फ्रेंड्स जब भी आप इनमें से कोई भी एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ एंट्री होते हुए दिखाई देगी। आपकी जो फोटोज हैं जिसको आप एनिमेशन दे रहे हैं एंट्रांस का, तो आप इन पर क्लिक करेंगे। जैसे फ्लाई इन हम ले लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फ्लाई करके ये टैक्स हमारे पास इस स्लाइड में आ गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि किस डायरेक्शन से आए, तो यहाँ पर आप डायरेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टॉप से आए तो टॉप से ले लेते हैं हम। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसकी स्पीड को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो हम इसे मीडियम रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से फ्रेंड्स आप फोटो को भी देंगे। मैं इसे फटाफट एनिमेशन दे देता हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको हर स्लाइड पे जा करके एनिमेशन देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप एंट्री वाला हमने दे दिया है, एंट्रांस का भी आप सॉरी एग्जिट का भी आप दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि फोटोज एंट्री हो फिर बाद में एग्जिट हो जाए तो आप इनको भी दे सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको सिलेक्ट करना होगा। हम इसे पहले इसे देना चाहते हैं तो हम इसे कर सकते हैं। फिर इसे करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करके फ्लाई आउट कर देते हैं। बॉक्स दे देते हैं इसको एनिमेशन। ओके फ्रेंड्स, अब ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स और भी एनिमेशंस हैं, ये आपको अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो आप यहाँ भी प्ले कर सकते हैं या आप स्लाइड शो करके देख सकते हैं कैसा दिखाई देगा। इससे पहले फ्रेंड्स आपको एनिमेशन में यहाँ पर माउस क्लिक हटा करके यहाँ पर ऑटोमेटिक करना होगा और अप्लाई टू ऑल। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, आप अपनी एनिमेशन को अरेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि फ्रेंड्स आपको फोटो पहले नहीं चलानी है, आपको पहले ये वाली फोटो एंट्री करनी है या एग्जिट करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके रेड बटन एग्जिट के लिए है, रेड कलर और ग्रीन इसके लिए है एंट्री के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से री ऑर्डर पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे स्लाइड शो करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा फोटो एल्बम क्रिएट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये